नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोंदड़ स्टडी पॉइंट के ऊपर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर चिकित्सा विभाग भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया कई सारी वीडियो के माध्यम से कि आपकी जो चिकित्सा विभाग की 8 कैडर की जो भर्तियां हैं वो प्रक्रियाधीन है, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण कहीं ना कहीं उन भर्तियों के ऊपर रुकावट आई है। तो इस टाइम की जो लेटेस्ट न्यूज ये है कि चिकित्सा विभाग सीफू के द्वारा जो आपके परिवेदना से संबंधित जो मामला है, चाहे कोर्ट में जो याचिका लगाई है उनसे संबंधित हो या राजस्थान राज्य के जो होल्ड वाले स्टूडेंट हो या बाहरी राज्य वाले जिन स्टूडेंट्स को होल्ड किया गया उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा 4 टीमों का गठन सीफू के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया है। ये 4 टीमें अलग अलग कार्य करने वाली है। क्या क्या कार्य करेगी देखो, सबसे पहले जो इनमें से एक टीम जो कार्य करेगी वो टीम क्या करेगी, कोर्ट में लगे केसों का जवाब पेश करेगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपके कोर्ट में याचिकाएं लगी है 2-3 दिन पहले आपने देखा भी होगा कि कई स्टूडेंट्स ने CHO का हो चाहे अन्य किसी कारणवश लिस्ट में नाम नहीं आया हो या जिनकी ज्यादा परसेंटेज थी उनका नाम नहीं आया तो उन स्टूडेंट्स ने याचिका लगाई, तो उन याचिकाओं के ऊपर कोर्ट में जवाब पेश करेगी एक टीम। तो ये तो हुआ आपका पहले टीम का काम कि कोर्ट में लगे केसों का जवाब पेश करेगी ये टीम। दूसरी, परिवेदनाओं का बारीकी से जांच कर उनका निस्तारण करेगी। जो आपकी परिवेदनाएं लगी है चाहे ANM की हो चाहे एनओ की हो, आपकी एनओ की 17 अक्टूबर तक जो परिवेदनाएं लगी है उन परिवेदनाओं का निस्तारण करेगी। बारीकी से जांच करने के बाद उनका निस्तारण करेगी। कौन करेगी? इन 4 टीमों से एक नंबर जो टीम है वो आपकी इनकी बारीकी से क्या करेगी, इनका निस्तारण करेगी। जांच करने के बाद कि परिवेदनाएं जो लगाई है वास्तव में वो सही है या गलत है या ऐसे ही उठा के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने परिवेदना लगा दी। इसके बाद में जो एक टीम है वो आपकी जो इनमें सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है कि अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। जो एक टीम रहेगी वो आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप स्टूडेंट्स ने लगाए हैं उनकी जांच करेगी एक टीम इनमें से कि आपके जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपने वाकई सही बनाए हैं या ऐसे ही आपने कहीं से फर्जी बना करके लगा दिए हैं, तो उनकी जांच करेगी एक टीम। बाकी बची आपकी जो चौथी टीम है वो सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाली है। रोके गए परिणामों में से जो राजस्थान से पास आउट है उनका लेटर बनाकर RNC को भेजेगी। जो राजस्थान से पास आउट थे इसके बावजूद भी उनका फाइनल वरीयता सूची में नाम नहीं आया है, उनका जो लेटर बना करके जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उसको RNC को भेजेगी। क्या करेगी? भेजेगी, जिससे RNC उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी और जो राजस्थान काउंसिल है वो उनकी क्या करेगी, उनके डॉक्यूमेंट्स की क्या करेगी, जांच करेगी RNC। ये चौथी टीम का काम होगा। और इसके बाद में क्या होगा, साथ ही सुब्रा सिंह से सहयोग से लेटर बनाकर बाहरी राज्यों की चिकित्सा शासन सचिव को भेजेगी। जो सुब्रा सिंह जी है ACS है, उनके माध्यम से जो बाहरी राज्य के जो स्टूडेंट है जिन्होंने बाहरी राज्यों से क्या किया है, डिग्री डिप्लोमा ANM GNM जो भी किया है वो उनके बाहरी राज्यों के जो शासन सचिव है उनको लेटर बना करके जो ये चौथी टीम है वो भी लेटर बना करके जो बाहरी राज्यों के शासन सचिव है उनको लेटर बना करके भेजेगी, जिससे वहां की शासन सचिव और जो RNC है वो जो सूचना मांगती है हमारी ACS महोदय जो लेटर बना करके भेजेगी, हमारी RNC जो सूचना मांगती है उस सूचना को वहां की RNC शासन सचिव के माध्यम से जो सूचना उपलब्ध करवाएगी, सूचना क्या करेगी, उपलब्ध करवाएगी, जिससे कि आपकी बाहरी राज्यों के जो स्टूडेंट्स है उनकी जो समस्या है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उनकी जो जांच करनी है कि उन्होंने जहां जिस कॉलेज या डिग्री कॉलेज से डिप्लोमा या डिग्री या बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम जो भी किया है, क्या वास्तव में वो सही है या वो कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन करवाया है वहां पे सही है, जिस कॉलेज से किया है वो वाकई में सही कॉलेज है कि उसका वो कहीं फर्जी कॉलेज तो नहीं है। तो एक ये काम करेगी आपकी चौथी टीम। लेकिन ये काम कब होगा? ये काम होगा आपको पता है कि चुनाव आयोग को क्या भेजी जा चुकी है, चुनाव आयोग को क्या भेजी जा चुकी है, आपकी फाइल भेजी जाएगी। चुनाव आयोग को जो आपकी फाइल है वो भेजी गई है। चुनाव आयोग परमिशन देगा। चुनाव आयोग क्या करेगा? परमिशन देगा। फाइल को देखने के बाद उसमें जो लिखा है उसको, उसका अध्ययन करने के बाद कि वाकई में क्या इनको परमिशन देने की जरूरत है, तो उसके बाद में जो ये आगे का काम है जो आपकी चार टीमें करने वाली है, ये काम कब करेगी? जब चुनाव आयोग से क्या मिल जाएगी आपको, चुनाव आयोग से क्या मिल जाएगी? परमिशन मिल जाएगी। जब जाके ये चारों टीमें क्या करेगी? काम करेगी। तो सबसे पहले आपका चुनाव आयोग से जो आगे की कार्य है उसको जारी रखने के लिए, क्योंकि अभी काम क्या पड़ा हुआ है? ठप पड़ा हुआ है, बिल्कुल रुका हुआ है। जैसे ही चुनाव आयोग से परमिशन मिलती है ये चारों टीमें जल्दी, बहुत जल्दी आपका काम करने वाली है। जो काम इनको दिया जाएगा लगभग इसमें 1 महीने का टाइम लगने वाला है। तो कहीं स्टूडेंट पूछ रहे कि सर ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है? ज्वाइनिंग आपकी जो भी नई सरकार आएगी उसी के कार्यकाल में आपकी ज्वाइनिंग होगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि भर्ती कैंसिल हो जाएगी सर नई सरकार आती है तो, बिल्कुल नहीं होगी। आपकी भर्ती है जो 100% आपकी भर्ती क्या होगी? आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। चाहे कोई सी भी सरकार आए, जो भी सरकार आएगी, हो सकता है उसमें टाइम लग जाए क्योंकि चुनाव होंगे आपके 25 नवंबर को, उसके बाद में 3 दिसंबर को आपके नतीजे आएंगे, उसके बाद में मंत्रिमंडल का गठन होगा, सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगा या बनेगी कोई भी, उसके बाद में आपकी क्या होगी? ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें कि आचार संहिता में हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि आचार संहिता में तो आपका जो ये काम है वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें अभी 1 महीना लगेगा। और आज कितनी तारीख हो गई है? आज हो गई है 22 तारीख हो चुकी है और 22 और 25 नवंबर को चुनाव है। आपका 1 महीना बच रहा है चुनाव में, तो लगभग 1 महीने में आपका ये काम होता है अगर चुनाव आयोग परमिशन देता है तो स्टूडेंट बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाए लेकिन 100% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आप लोगों के लिए। चुनाव आयोग जो ही परमिशन देता है ये चारों टीमें बिल्कुल जल्दी जल्दी आपका काम करेगी, बिल्कुल, क्योंकि आपका भी दबाव है, सरकार को भी भर्ती क्या करनी है? कंप्लीट करनी है, चीफ को भी क्या करनी है? भर्ती कंप्लीट करनी है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोनड स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हाँ, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एनएचएम की या और कुछ भी, वो तैयारी आप जारी रखें। ओके, धन्यवाद।